सोनी का नया ZV-E10 मिररलेस कैमरा शायद 2023 का सबसे बेस्ट मिररलेस कैमरा है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वाले कैमरे के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डाले हैं सोनी ने जो हर एक कंटेंट क्रिएटर इस्तेमाल करता है, डेली इस्तेमाल करता है किसी न किसी तरीके से, जैसे कि प्रोडक्ट शोकेस, बैकग्राउंड डीफोकस, ब्यूटी फिल्टर, यहाँ पे 3 कैप्सूल का माइक्रोफोन हो, ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो हर एक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक्चुअली में प्रैक्टिकली यूजफुल है। ऐसे बहुत सारे फीचर है इस वाले कैमरे के अंदर जो कि इस कैमरे को एक परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर कैमरा बनाता है। और इस कैमरे को सोनी के 15mm f1.4 लेंस के साथ और सोनी के Z1 माइक्रोफोन के साथ हम एक प्रोफेशनल ब्लॉगिंग किट में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रोफेशनल लेवल में ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये किट अवेलेबल है मेरे पास, आपको दिखाएंगे, बट सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमरा बॉडी के बारे में। कैमरा बॉडी बहुत ज्यादा छोटा, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके छोटे कैमरा बैग में इजीली आ जाएगा। एज ए क्रिएटर हमें बहुत सारे गैजेट्स लेकर के इधर उधर जाना पड़ता है वीडियो शूट करने के लिए, तो कैमरा अगर आपका छोटा होगा तो इसे आप इजीली अपने बैग के अंदर कैरी करते हुए कहीं पर भी लेकर के जा सकते हो। बहुत ज्यादा आसानी होता है कैरी करने में और ये हल्का है जिसकी वजह से इसे आप अपने किसी भी गिम्बल के ऊपर इजीली बैलेंस कर सकते हो और इसे सिंगल हैंडेडली हाथ में पकड़कर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, आपके हाथ में दर्द नहीं होगा। देखो साइज में भले ही छोटा हो ये कैमरा, बट स्पेसिफिकेशन के मामले में कोई कमी नहीं है। ये एक इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा है, यानी कि सोनी के ई माउंट के किसी भी लेंस को आप कैमरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। कैमरे के अंदर एक 24.2 मेगापिक्सल का सीमोस सेंसर है। सोनी के A6400 कैमरे में जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, सेम सेंसर सेम प्रोसेसर इस वाले कैमरे के अंदर भी है, जो कि इसको एक बहुत ही पावरफुल कैमरा बनाता है। इस कैमरे से आप मैक्सिमम 4K 25fps के रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। हाइब्रिड आई ऑटो फोकस है जो कि हर वक्त आपको फोकस में रखता है। टोटली बिगिनर क्रिएटर्स की बातों को ध्यान में रखते हुए सोनी ने अपने कैमरे को बहुत ज्यादा सिंपल एंड इजी टू यूज बनाया है। जैसे कि इसका किट लेंस है 16-50mm का एक पावर जूम लेंस। पावर जूम यानी कि लेंस में ये जो रिंग है या फिर कैमरा बॉडी में ये जो रिंग है, इसके मदद से आप एक पॉइंट एंड शूट कैमरे की तरह इस लेंस से जूम कर सकते हो। और ये किट लेंस है एंड एज वी ऑल नो किट लेंस फोटो और वीडियो के बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर नहीं कर पाता है, तो उसके लिए सोनी ने यहाँ पर बैकग्राउंड डिफोकस करके एक फीचर दिया है। इस वाले बटन को प्रेस करते ही आप इसको ऑन कर सकते हो, इससे आपके फोटो और वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। जैसे कि हम अपने फोन में AI की मदद से फोटो वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं, सेम उसी तरीके से ये काम करता है। और ये सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर नहीं बल्कि लाइट के ऊपर भी इफेक्ट करता है और ओवरऑल आपका फोटो और जो वीडियो है उसको इन्हेंस करता है। कैमरे की वीडियो स्टेबलाइजेशन से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। इसमें आपको स्टैंडर्ड एंड एक्टिव करके दो वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड मिलता है और जो एक्टिव वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड है वो कैमरे के अंदर एकदम गिम्बल जैसा स्मूथनेस आपको प्रोवाइड कर सकता है। आप चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करो, दौड़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड करो, आपके वीडियो को एकदम सुपर स्मूथ करने वाला है इसका एक्टिव स्टेबलाइजेशन मोड। बिगिनर क्रिएटर्स के बारे में सोचकर सोनी ने ये कैमरा डिजाइन करी है बिकॉज आप रिकॉर्ड बटन का साइज देखो, साइज में काफी बड़ा है ताकि आप इसको इजीली एक्सेस कर पाओ। रिकॉर्ड बटन को प्रेस करने पर सबसे पहले तो आपको रिकॉर्ड नोटिफिकेशन साउंड सुनाई देता है, सामने की तरफ का इंडिकेटर जलता है और डिस्प्ले में चारों तरफ आपको रेड कलर का एक स्क्वायर दिखाई देता है। तो ऐसा तो आपके साथ कभी नहीं होने वाला है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने बैठो और रिकॉर्ड बटन प्रेस करना भूल जाओ। 3 तरीके का इंडिकेशन आपको मिलता है। फिर जैसे कि मैंने आपको पहले बोले कि इस वाले कैमरे के अंदर क्रिएटर्स के लिए कुछ एक्चुअली में यूजफुल फीचर है, जैसे कि एक फीचर है प्रोडक्ट शोकेस करके, जो कि इस डिलीट बटन को प्रेस करते हुए आप इनेबल कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियोस बनाते हो तो ये आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। इसको इनेबल करने के बाद आप प्रोडक्ट को जैसे ही कैमरे के सामने होल्ड करते हो, आपका कैमरा इंस्टेंटली प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर लेता है और परफेक्टली फोकस कर लेता है। चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी छोटा क्यों ना हो, ये इंस्टेंटली फोकस कर लेगा। तो टेक यूट्यूबर्स के लिए ये जो फीचर है बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। देन अगर आप ऐसे फेस कैम वीडियो या ब्लॉग वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाते हो तो उसके लिए ब्यूटी फिल्टर इसके अंदर दिया गया है। आप 3 स्टेप में लो, मीडियम एंड हाई, इन 3 स्टेप में अपने फेस के ऊपर ब्यूटी फिल्टर कैमरे के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ क्रिएटर्स के लिए ये भी एक बहुत ही यूजफुल फीचर होने वाला है। कैमरे के ऊपर की तरफ ये जो ग्रिल है इसके अंदर एक 3 कैप्सूल माइक्रोफोन है जो कि आपका जो वॉइस है उसको एकदम क्लियर तरीके से रिकॉर्ड करता है और 3 कैप्सूल होने की वजह से आसपास का जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको भी ये बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है। तो एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज करने का आपका जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी अगर आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज करना चाहो तो उसके लिए माइक्रोफोन पोर्ट आपको दिया जाता है, इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप सोनी के ओरिजिनल माइक्रोफोन्स खरीद लेते हो कुछ इस तरीके के, तो इनको आप विदाउट एनी वायर हॉटसू माउंट के ऊपर कनेक्ट करते हुए इस्तेमाल कर पाओगे। और ऑडियो आपका कैसा रिकॉर्ड हो रहा है अगर आप सुनना चाहते हो तो उसके लिए ऑडियो मॉनिटरिंग पोर्ट आपको दिया गया है। इसमें हेडफोन कनेक्ट करते हुए आप अपने ऑडियो को मॉनिटर कर सकते हो, जो कि काफी टाइम यूजफुल हो जाता है। ये जो बटन है कैमरे के ऊपर, इसको प्रेस करते हुए आप शूटिंग मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हो। फोटो, वीडियो एंड SNQ, इन 3 मोड्स के बीच में आप स्विच कर सकते हो। SNQ यानी कि स्लो मोशन एंड टाइमलेस वीडियो शूट करने का ऑप्शन,
मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन्हीं तीन मोड्स के अंदर अपने फोटो वीडियोस को शूट करने वाले हो। इसके अलावा बाकी सारे जो मोड्स है लाइक एपर्चर प्रायोरिटी हो या प्रोग्राम मोड हो, वो सभी आपको सेटिंग्स के अंदर मिलता है, बाहर नहीं मिलता है। तो इस बल बटन को प्रेस करते हुए मोड्स के बीच में स्विच करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। ऑटोफोकस परफॉर्मेंस ऑफ दिस कैमरा इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। चाहे डे लाइट हो, लो लाइट हो, इंडोर आउटडोर, ह्यूमन सब्जेक्ट, कोई अदर ऑब्जेक्ट, हर एक कंडीशन में मेरे को फास्ट एंड एक्यूरेट ऑटोफोकस मिला है इस वाले कैमरे से। मतलब कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि ये सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है या फिर स्लो फोकस कर रहा है या फिर फोकस हंटिंग का इशू मेरे को कभी भी इस कैमरे के साथ देखने को नहीं मिला, इवन इन एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन। सैंपल वीडियो में आप देख सकते हो ये कैमरा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर कितना फास्ट एंड एक्यूरेट तरीके से ऑटोफोकस कर रहा है। ये कुछ सैंपल वीडियोज आप और देखो। मेरे पास ये कैमरा सोनी के 15mm f/1.4 लेंस के साथ और सोनी के Z1 शॉटगन माइक्रोफोन के साथ है, जिसको कि एक साथ में कंबाइन करने पर ये खतरनाक ब्लॉगिंग एंड ट्रैवल कैमरा सेटअप बन जाता है। 15mm का जो लेंस है काफी वाइड एरिया कैप्चर करता है एंड f/1.4 होने की वजह से लो लाइट या फिर नाइट टाइम में ये लेंस बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करता है और f/1.4 आपको वीडियो में काफी डीप बैकग्राउंड ब्लर देता है। तो एकदम प्रोफेशनल लुकिंग ब्लॉग या फिर प्रोफेशनल लुकिंग ट्रैवल वीडियो आप शूट कर सकते हो इस लेंस के थ्रू। एंड जो माइक्रोफोन है ये भी एक प्रोफेशनल लेवल का शॉटगन माइक्रोफोन है जो कि एकदम क्रिप एंड क्लियर तरीके से आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो वॉइस है उसको आप लोग इग्नोर करो, मेरा गला पूरा बैठ गया है, ठंड लग गया है। तो बात ऐसा है कि ब्लॉगिंग मैं ज़्यादातर करता नहीं हूँ, दो एक बार पहले ट्राई करी थी, अच्छा नहीं गया तो कभी किया नहीं। बट इस लेंस का जो बैकग्राउंड ब्लर है, जो बैकग्राउंड सेपरेशन है, जो क्रीमी बैकग्राउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करना चाहिए क्योंकि ये कैमरा रहेगा मेरे पास। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे हम लोग जो आउटडोर फोटोशूट या वीडियो शूट करेंगे उनके बिहाइंड द सीन्स एज अ ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों का क्या सोच है मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी ये जो वीडियो एंड ऑडियो है ZV-E10 से और सोनी के Z1 माइक्रोफोन से आ रहा है, तो कमेंट करके बताओ वीडियो एंड ऑडियो का क्वालिटी कैसा है। ये लो लाइट ब्लॉगिंग टेस्ट है। लो लाइट में कैमरा कुछ इस तरीके का परफॉर्म करता है। अभी लाइट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, मैंने ISO को 1000 तक पुश कर दिया है, तो कुछ इस तरीके का ये आउटपुट आता है। एंड जो फोकस है इतनी लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब कि परफेक्ट तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हो एकदम फास्ट एंड एक्यूरेट ये ऑटो फोकस कर रहा है। तो एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में कैमरा कुछ इस तरीके का परफॉर्म करता है। शुरू से इसको बिगिनर कैमरा बोल रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचिए कि दिस इज जस्ट ए बेसिक कैमरा फॉर बिगिनर कंटेंट क्रिएटर्स। एक्चुअली में दिस इज अ रियली एडवांस कैमरा जिसमें कि बहुत से एडवांस लेवल की फीचर्स है, लाइक कंप्लीट मैनुअल कैमरा कंट्रोल जो हर एक कैमरे में होता है इसमें भी है। एट द सेम टाइम आप इससे फ्लैट प्रोफाइल में वीडियो शूट कर सकते हो, यानी कि S-Log या HLG फॉर्मेट में आप वीडियो शूट करके उनको कलर ग्रेड करके सिनेमा लुक दे सकते हो। तो कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ आप सिनेमाटोग्राफी पर्पस के लिए भी इस कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ज़ेब्रा व्यू का फीचर है जो कि आप फोकस पिकिंग या एक्सपोजर पिकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए HDMI पोर्ट या फिर 30 मिनट प्लस जो नॉनस्टॉप रिकॉर्डिंग का फीचर है, ये सभी फीचर्स मिला करके ये जो कैमरा है एक एडवांस लेवल का कैमरा बन जाता है जो कि कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ आप सिनेमाटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी मल्टीपर्पज में इस्तेमाल कर सकते हो। थाउजेंड 20mAh का बैटरी है कैमरे के अंदर जो कि कंटिन्यूसली 125 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। पर हम लोग कंटिन्यूसली वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं, फिर कैमरे को ऑफ करते हैं, फिर थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं। इस तरीके से आप कैमरे को काफ़ी लंबा इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी कैमरे को आप चार्ज करते वक्त चाहे पावर केबल के थ्रू हो या पावर बैंक के थ्रू हो,
चार्ज करते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हो और रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि एक्चुअली में एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। ऑलराइट, सो यही रहा मेरा रिव्यू सोनी के ZV-E10 मिररलेस कैमरे के ऊपर। अब आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा। बाकी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा तो लाइक शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।